खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ पांचवें दिन भी कार्रवाई जारी है बिलासपुर में, और अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को, इमारतों को तोड़ा जा रहा है। चांडी डीह के मेला पारा में निगम ने यह कार्रवाई की है। 742 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक करीब 600 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, चक्का जाम भी लगाया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, करीब 742 जो अवैध निर्माण थे अब उन्हें तोड़ने का काम चल रहा है। 600 से ज्यादा निर्माणों को तोड़ा जा चुका है। और उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्वाभाविक है कि विरोध का सामना तो निगम और प्रशासन को करना ही होगा, अभी क्या हालात हैं ताजा? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो पांचवें दिन भी जारी है। चूंकि अब तक के 600 मकानों को जो है निगम ने जमींदोज कर दिया है, वहीं अभी जो बाकी बचे जो मकान हैं उनको तोड़ने की जो कार्रवाई वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि उनको अटल आवास में जो मकान है वो आवंटित नहीं किया, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कल भी देखा कि सड़कों पर उतर कर ये लोग जो है वो विरोध करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला था कल रात को कि जो लोगों को मकान नहीं मिला वो लोग मंदिरों का सहारा ले रहे हैं, सड़कों का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि उनकी यही मांग है कि बीते जो भारी बारिश के दौरान इस तरीके से अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो नगर निगम की गलत है, और यदि उन्होंने की भी है तो इसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी थी उन लोगों के लिए जिनके लिए अभी तक मकान आवंटित नहीं किया है। यही मांग को लेकर लगातार आंदोलन जो जारी है, लेकिन निगम अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है। वहीं जो लोग इससे पीड़ित है और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको मकान मिलना चाहिए वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। फिलहाल देखना होगा कि जो बातचीत से कोई हल जरूर निकाला जाना चाहिए ताकि गतिरोध ना हो। शुक्रिया मेरी जानकारी के लिए। और